विधायक प्रकाश गजबी इन्होंने विधान परिषद में दीक्षा भूमि के निधि को लेकर सभापति का ध्यान आकर्षित किया। 365 करोड़ रुपए दीक्षा भूमि को सरकार जल्द से जल्द दिलवा दे, ऐसी जानकारी उन्होंने एनबीसीएन समक्ष दी। आइए डालते एक नजर। प्रकाश गजबी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद, आइए उनसे जाएंगे जानना चाहेंगे कि आखिरकार दीक्षा भूमि को लेकर उनकी अपनी क्या भावना रही, जिस प्रकार से विधान परिषद जो सदन में उन्होंने जब बात रखी, क्या सभापति ने उनके बातों को दरकिनार कर दिया था? क्या कहना चाहोगे साहब? 385 करोड़ का जो 325 करोड़ के लिए आपने जिस प्रकार से जो बातचीत कही है, क्या लगा आपको? निश्चित तौर से हमें बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है कि आज मेरे लक्ष्मीपति के ऊपर इस शहर के नहीं देश की जो पवित्र दीक्षा भूमि है वो दीक्षा भूमि को न्याय मिला, ऐसा लगता है। 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लेकिन वो सरकार ने 1 रुपया भी दिया नहीं। 40 करोड़ का वो सादा चेक ऐसा दिखा के वहाँ पे बताया कि हम दे रहे, लेकिन उसकी कोई तांत्रिक मान्यता नहीं, प्रशासकीय मान्यता नहीं, उच्च स्तरीय कमेटी जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रहती है उनकी मान्यता नहीं है। तो ये सारी मान्यता आप कब तक लेंगे और कितना निधि देंगे? उन्होंने बोला 15 दिन में, आपने सुना, 15 दिन में हम ये पूरे मान्यता देंगे और हम जितना भी निधि लगता है 325 करोड़ का, उससे भी ज़्यादा अगर लगेगा तो हम दीक्षा भूमि के लिए देखे रहेंगे, ऐसा सामाजिक न्याय मंत्री छगन भुजबल साहब ने निश्चित तौर से हमें आश्वासन दिया। और आज मुख्यमंत्री हमारी लक्ष्यवधि देख के आज दीक्षा भूमि गए, वहाँ दर्शन लिए। मुझे ये लगता महाविकास आघाड़ी अभी जनता के तरफ ध्यान देने वाली आघाड़ी रहेंगे, ऐसा लगता है। गजबी जी ये भी बताइए, आपने उस परिषद के दौरान ये भी एक बात कही थी कि गिरीश व्यास के जो पापा है पंडित बच्चराज जी व्यास, उन्होंने धम्म दीक्षा नहीं ली थी, ये इसके बारे में खुला सकी जी? हाँ, तो नहीं, ये दीक्षा भूमि ऐसी चीज है कि यहाँ पे हर कोई जा सकता, हर कोई आ सकता है, वहाँ यानी नतमस्तक हो सकता है। शायद मेरे ख्याल से उनको, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये भारत बौद्धमय होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, तो हम किसी को भी विनती कर सकते हैं आप भी बौद्ध बनो। सर, पवित्र दीक्षा भूमि एक ऐसी ऐतिहासिक दीक्षा भूमि जिससे पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व से लोग वहां पे माथा टेकने नमन करने आते हैं, ऐसे में एक महा मेट्रो की जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रही है, दीक्षा भूमि का जो बिल्डिंग है उससे कई गुना अधिक ऊंची हुई है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, अभी वो कितना भी ऊंचा हो, बाबा साहब का कद थोड़ा कोई छोटा कर सकता है, बाबा साहब है, उसको कोई छोटा दुनिया का कोई मुद्दा उठाया गया था नहीं, वो कोई उसका कद, बाबा साहब के विचारों का जो ऊंचाई है, विचारों का कद है, वो कोई कम नहीं कर सकता। दीक्षा भूमि का अलग आनंद यानी महात्म्य है। हम वहाँ पे 14 अक्टूबर को गए, लोगों को पूछा, यूपी से लोग आए थे, बिहार से लोग आ गए थे, तो वो उनको पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे है, तो महिलाएं बोल रही थी हमारे पास में तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, तो आए कैसे? बोले बाबा साहब की ट्रेन से आएंगे, बाबा साहब के बच्चे यहाँ पे हमको खाना खिलाते हैं, हम बाबा साहब के ट्रेन से वापस जाएंगे। 1 रुपया नहीं रहते हुए भी ये लोगों को न्याय बाबा साहब ने दिया, उनकी ऊंचाई कौन कम कर सकता? बिल्कुल गजबी जी, जिस प्रकार से आज आपने विधान परिषद में जो मुद्दा उठाया है बखूबी और बेबाकी के साथ उठाया, जिसके चलते आज दीक्षा भूमि को इतने पैसे मिलने के कहीं ना कहीं बहुत नजदीक आसार दिखाई दे रहे हैं, मेरा सवाल यह है क्या महज ये 5 दिन का जो अधिवेशन चला है ये पूरा हुआ क्या? देखिए आप कितने अच्छे काम हो रहे हैं, और वहाँ पे अभी किसानों का अभी वो आखिरी हम सिक्सर मार देंगे और निश्चित तौर से किसानों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शांतिवन का अभी भी जो सवाल है वो अभी भी जो की तो बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? शांतिवन निश्चित तौर से 350 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे तैयार है, ये पिछले सरकार ने 5 साल में उसके ऊपर जाके भी नहीं देखा, ऐसी परिस्थिति है। हम अभी ये मुद्दा सरकार के सामने रखेंगे, हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री इतने दमदार मुख्यमंत्री है, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री भी उनसे कम नहीं है छगन भुजबल साहब, तो ये हमारी सरकार दमदार सरकार है, निश्चित तौर से उन्हें भी हमें न्याय मिलेगा। तो आप थे प्रकाश गजबी जी ने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए विधान परिषद में कई मुद्दों को इन्होंने उठाया है, पूरे जोर शोर से उठाया, जिसके चलते आने वाले दिनों में दीक्षा भूमि का एक बहुत बड़ा निधि जो मिलेगा वो छगन भुजबल जी और प्रकाश गजबी इनके माध्यम से मिला है, ऐसा कहा तो बड़ी बात तो नहीं हो सकती। विधान भवन से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।